सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्रीकल्चर लेख को और बेल आइकन दबाएं सबसे तेज एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्रीकल्चर लेख में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट से, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, उनकी वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज कब आएंगी, कितने पद होंगे और इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, और आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स हो वो क्लियर करेंगे। क्या अंतर है वैकेंसीज में, बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर लेख की वेबसाइट है agriculturelake.com, वहां पर आप जाकर जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं अपने परसेंटाइल का पोल दे दें, ताकि पोल से और एक्यूरेसी आ सके कि कितने स्टूडेंट्स हैं और लगभग परसेंटाइल क्या ओवरऑल ज्यादा जा सके, जो कि अभी हमारे लगभग 46 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने अपना अपना जो कि वोट किया है। तो वोट में जानेंगे कि 22% लगभग 91 से 99 परसेंटाइल के लोग हैं, और 71 से 80 22% लोग हैं, और 81 से 90 13% लोग हैं, और 61 से 70 13%, 51 से 60 11, और 41 से 50 11, और 30 से 40 परसेंटाइल के बीच लगभग 9% लोग हैं। जो भाई हमारा लगभग 35 परसेंटाइल से ऊपर है, वो अपनी तैयारी जारी रख सकता है, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक के लिए हो। इसके बारे में देख लीजिए, अगर 2500 वैकेंसीज हैं तो यहाँ पे लगभग 850 से 950 पद जो है गन्ना पर्यवेक्षक के होंगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि गन्ना विकास विभाग की जो पिछली वैकेंसीज का अध्याचन था उसमें लगभग 498 वैकेंसीज प्रतिवर्ष निकालने के लिए अध्याचन जाता था। तो इस हिसाब से अगर ये दो वर्ष की भी जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इस हिसाब से बता रहे हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 850 से 900 के पद जो होंगे वो गन्ना पर्यवेक्षक के हो सकते हैं, और जो कि टीए के पद लगभग 1500 ही होंगे। ये भी बात आप मेरी नोट करके रख लें, क्योंकि बहुत से लोग बस 2500 पद टीए और केन सुपरवाइजर, उसका वर्गीकरण कहीं पे तो है ही नहीं। और एक और बात, संभवतः हो सकता है कि जो ये अपने 100 पद हैं ये मंडी समिति इंस्पेक्टर या मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भी, ये ऐसा कंफर्म नहीं है, बट फिर भी मिसलेनियस जब सारी वैकेंसीज ओवरऑल हैं तो हो सकता है कि ये पद भी आपके लिए हो सकते। जैसा कि आप सभी ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उन्होंने लोगों ने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षक जैसी प्राविधिक सहायक की वैकेंसी एक साथ ही उसका मेन्स का नोटिफिकेशन आएगा, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग गन्ना पर्यवेक्षक का ये का एग्जाम नोटिफिकेशन अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, केन सुपरवाइजर गन्ना विकास विभाग के थ्रू और टीए कृषि विभाग के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है कि नोटिफिकेशन एक ही होगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन का जो कैलेंडर के अनुसार पहला फेज था, स्वास्थ्य विभाग की जो कि एनएम जेएनएम की वैकेंसीज थी उनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और आप सब इस बात पे कंफर्म रहें कि लोगों का कहना है कि वैकेंसीज नहीं हो पाएंगी, नहीं आएंगी, मगर इतना तो श्योर है कि इसके जो नोटिफिकेशन जरूर आएंगे और अप्लीकेशन फॉर्म जरूर लिए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस माह नवंबर के अंत तक रेडी रहें अपना फॉर्म फिल करने के लिए। और बहुत सी वो चल रहा है इतने गुना 15 गुना 20 गुना, वो सब चक्कर आप छोड़िए, का 35+ है परसेंटाइल वो फॉर्म भरेगा कि वो गारंटी रखे। और ट्रिपल सी को लेके बाध्यता दोनों में ही हो सकती है, और इस बार सिलेबस के लिए भी आपसे बताना है, संभवतः हो सकता है सिलेबस पर्सनल जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग चेंज करें, बट ऐसा भी पॉसिबल है
जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न रहा है बाय रीजनिंग के का, तो इस पे भी एग्जाम कंडक्ट वो करवा सकती है। तो आप अपनी तैयारी रखें, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है वैकेंसी से रिलेटेड या गन्ना पर्यवेक्षक कैसा है, टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर कैसा है, या तैयारी से संबंधित, और मैं भी खुद भी एक चयनित गन्ना पर्यवेक्षक हूँ 2016 के यूपी के थ्रू, तो मेरा भी प्रयास था कि आप सभी को नॉलेज दे सको और जो भी वैकेंसीज के बारे में बता सको। तो आप सभी के अगर कोई भी कमेंट हो तो नीचे जरूर करें, ताकि मैं आपको संबंधित जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। जय जवान।